हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अपना लेसन चल रहा है, दो पार्ट्स हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें तीन इक्वेशंस हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। तो डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन फिजिक्स। Several important concepts in physics are based on the equation of motion. In this lesson, the equation of motion derivations by the normal method, by the graphical method, and by the calculus method are explained in an easily understandable way for the first, second, and third equation of motion. तो आज की वीडियो में हम ये दो मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक तो होगा नॉर्मल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। कैलकुलस मेथड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किस पर बेस्ड है। सबसे पहले बात आती है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, मोशन इज़ द स्टेट ऑफ चेंज इन पोजिशन। मोशन क्या होती है? स्टेट ऑफ चेंज इन पोजिशन होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड स्पीड। ये जितनी भी टर्म्स आपको दिख रही हैं उन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जॉगिंग, ड्राइविंग अ कार एंड इवन सिंपली टेकिंग अ वॉक आर ऑल एवरी डे एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम एवरी डे लाइफ में देखते हैं वो एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। द रिलेशन बिटवीन दीज क्वान्टिटीज़, कौन कौन सी क्वान्टिटीज़? एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, नेक्स्ट डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड स्पीड। इन सब के बीच में जो रिलेशन हम निकालते हैं वही रिलेशंस इन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम बात कर रहे हैं और फर्स्ट मेथड की जो हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल मेथड है। तीन इक्वेशंस हम निकालने वाले हैं इससे। तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की हम बात कर रहे हैं। यह हम देख रहे हैं, कंसीडर अ बॉडी। मान लो ये कार जो है वो यहाँ ड्राइव कर रहे हैं और कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। एक्सीलरेट्स एट यूनिफॉर्म रेट। ये ए जो है ये एक्सीलरेशन है इसका, एंड ये जो एक्सीलरेशन जो माना गया है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड इस कार को माना गया है। लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। इसका मतलब क्या है? टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हम डिनोट कर रहे हैं यू से, एंड जो टी टाइम पर जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी उसको हम डिनोट करेंगे वी से। एंड एस बी द डिस्प्लेसमेंट। एस यहाँ पर रहने वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक सी जो टर्म्स है वो आपको देखनी है स्टार्टिंग में। अब हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर। एज वी नो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं वी से एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं यू से। देन वी माइनस यू अपॉन टी। इससे हम देखते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। देन v इक्वल्स टू माइनस यू जो है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस यू हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमें मिलती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। द इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इज नॉन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस वॉज द नॉर्मल मेथड। सेकेंड इक्वेशन हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। यहाँ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। ये एवरेज वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, दोनों को प्लस करके हमने डिवाइड कर दिया टू से, देन ये एवरेज वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हुआ? एस। और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है? यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी टाइम।
फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकाली थी वो क्या थी, यू प्लस ए टी इक्वल्स टू वी. तो यहाँ हम पुट करने वाले हैं, इस v की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे u प्लस ए टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देन u प्लस यू इक्वल्स टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी. यहाँ हम बात करेंगे t का, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं देन u टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन टू आ रहा है. टू को जब डिवाइड करेंगे, टू यू टी को जब डिवाइड करेंगे टू से, देन यू टी प्लस इस तरफ आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. देन द इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज नॉन एज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करते हैं. वी नो दैट v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू. देन u प्लस v इक्वल्स टू टू वी एवरेज, ये हम लिख सकते हैं. ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं देन यहाँ पर v माइनस यू है एंड ये v प्लस यू है. ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी का. a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये एंड ये टर्म्स दोनों मल्टीप्लाई होकर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बना लेती है. इक्वल के इस तरफ हम देखते हैं ए टी है एंड इस इक्वेशन में टू वी एवरेज है. देन टू वी एवरेज ए टी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है. अब हमें पता है कि वी एवरेज इंटू टी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. देन एस हम इसको लिख सकते हैं. देन यहाँ पर हमने एस लिख दिया है तो टू ए एस इक्वेशन हमारे पास बन गई है. देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यहाँ माइनस है, इक्वल के इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा. देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड. द इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इज नॉन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये मेथड था जिसने हमने थ्री इक्वेशन सॉल्व कर ली है मोशन की, वो है नॉर्मल मेथड. आगे हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की. तो ग्राफिकल मेथड में हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्राफ की. देखिए, ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन को डिफाइन कर रहा है. ये टाइम t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी है u एंड t टाइम पर जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास v. ये हमारे पास यहाँ पर t इक्वल्स टू जीरो टाइम है, इस पर u वेलोसिटी है इनिशियल एंड t इक्वल्स टू t टाइम पर, यानी t टाइम पर ही मान लेंगे हम ये वेलोसिटी का जो ग्राफ जा रहा है वो v वेलोसिटी है फाइनल. तो इस तरह से ये स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में. और ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का ग्राफ है. तो हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एक्सिलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज. तो एक्सिलरेशन को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यहाँ पर एक्सिलरेशन ए इक्वल्स टू बी डी, यानी बी डी, ये इतना जो चेंज इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, ये जो चेंज है इसको इक्वली हम लिख सकते हैं ए ई के इक्वल लिख सकते हैं. तो यहाँ हमने लिख दिया ए ई एंड ए डी क्या है हमारे पास, ये जो ए डी है वो टाइम टेकन है. वो क्या है, टाइम टेकन है, जीरो टू टी, ये हमारे पास टी टाइम है. देन इसको हम लिख लेंगे ए डी. और इसके नेक्स्ट ए डी को हम और क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं. तो हमने इसको लिख दिया है ओ सी. अब बात आती है ए ई की. तो ये जो हमारे पास वैल्यू है वो कैसे निकाली जा सकती है, देखिए ओ ई में से जब हम ओ ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, जब हम टोटल ये जो वी डिस्टेंस है इस
वी जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, इसमें से जब हमने इनिशियल वेलोसिटी यू माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गई। डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम कहाँ है, जीरो से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर टी टाइम है, तो कंप्लीट टी माइनस जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं ओनली टी। तो यहाँ हम बात करेंगे v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी हो गया है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यही इक्वेशन हमने बात की थी नॉर्मल मेथड में, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये अभी हमने निकाली है ग्राफिकल मेथड से। तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे ये आपको ग्राफ के थ्रू ही इसको बताना है, विदाउट ग्राफ आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ये ग्राफिकल मेथड होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखते हैं, देखिए द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया है कौन सा, एक हमने लिया है पॉइंट, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ से, ओ ए बी सी एंड ओ, ये जो हमारे पास एरिया है वो ट्रेपेजियम का एरिया है। एंड ट्रेपेजियम का एरिया डिफाइन करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं वन अपॉन टू ओ सी। क्या है, ये दोनों जो पैरेलल हमारे पास लाइन है इस एरिया की, कौन कौन सी, ओ ए एंड सी बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमारे पास ओ सी जो है वो इसकी डिस्टेंस है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पैरेलल लाइन से, तो दोनों पैरेलल लाइन का जो सम होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओ ए प्लस सी बी, ये हमारे पास कंप्लीट इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। ओ सी दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ ओ ए प्लस सी बी दोनों पैरेलल लाइन को प्लस करके हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें ओ सी की, तो ओ सी हमारे पास क्या है, स्मॉल टी है, तो हमने यहाँ पर ओ सी की जगह पुट कर दिया है स्मॉल टी। ओ ए प्लस सी बी, ये हमारे पास ओ ए है, तो ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड सी बी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी। देन यू प्लस वी का हमने सम करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। देन बात आती है वी की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ हमने पुट किया वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू प्लस यू क्या हो जाता है, टू यू हो जाता है, और साथ ही हमने टी का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, देन टू यू टी हो गया। यहाँ ए टी है, टी का मल्टीप्लाई होने के बाद ए टी स्क्वायर हो गया है। देन इक्वेशन हमारे पास आ गई है, वन अपॉन टू को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, देन टू से टू कैंसिल आउट, यू टी बच गया है, एंड हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमें एरिया बताना है ट्रेपेजियम का, लेकिन कुछ अलग इसमें हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जिससे हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल सके। तो यहाँ हमें देखना है वही ओ ए बी डी बी सी, ओ ए बी सी ओ, ये ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम का एरिया हम लिखेंगे एस इक्वल्स टू वन अपॉन टू इंटू ओ सी इंटू ओ ए प्लस सी बी। ओ सी दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस है, एंड ओ ए एंड सी बी दोनों पैरेलल लाइन जो है हमारे पास, उसका सम करके और हम इसको मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बनाते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट इसकी डिस्टेंस को डिफाइन करता है, ये भी आपको साथ साथ देखना है। अब हम बात करेंगे, हमने हाफ लिख दिया है यहाँ, ओ सी की वैल्यू हमने लिख दी है टी, ओ ए प्लस सी बी हमारे पास यू प्लस वी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब हम देखते हैं कि यू प्लस वी क्या होता है, यहाँ से वन अपॉन टू से टू इस तरफ जाएगा, टू एस अपॉन में आ जाएगा टी, तो वी प्लस यू इक्वल्स टू टू एस अपॉन टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने नॉर्मल मेथड में किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वही करेंगे
हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, देन वी प्लस यू वी माइनस यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें इक्वेशन देगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का, तो फॉर्मूला इक्वल में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम पुट करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देन हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देन टू एस अपॉन टी मल्टीप्लाई ए टी, तो टी से टी कैंसिल आउट, टू ए एस यहाँ पर इक्वेशन बनती है, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही इजी वे में मैंने नॉर्मल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड इस लेसन में, इस वीडियो में बताया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कैलकुलस मेथड के साथ। तो थर्ड जो मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने का, वो है हमारे पास कैलकुलस मेथड। कैलकुलस एक्चुअली दो चीज़ों को लेकर चलता है, एक तो है डिफ्रेंसिएशन और एक है इंटीग्रेशन। तो इन दोनों की हेल्प से जब हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं या उसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो वो इक्वेशन का मेथड जो है वो कहलाता है कैलकुलस मेथड। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।